अब अपना करियर किक स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, वो भी 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कई स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। आपको कोई प्री कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स आपको आपकी इस करियर जर्नी में साथ देंगे। येलो गैप एजुकेशन सोसाइटी ने अडोबे और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है। अगर आप करियर को लेकर परेशान है तो यहाँ आपको 100% फ्री करियर काउंसलिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉन्टैक्ट करें। गिरगांव की इमारत में लगी भीषण आग, माँ बेटे की हुई मौत, बेटा माँ को नहीं छोड़ना चाहता था अकेला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक बेहद विचलित करने वाली दुर्घटना मुंबई के गिरगांव परिसर में शनिवार रात को हुई है। शनिवार रात 9:30 बजे के करीब गिरगांव की एक इमारत में आग लग गई। वहीं ये आग जो है तेजी से फैलती हुई तीसरी मंजिल तक चली गई। फायर ब्रिगेड को पता चलता और फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। वहीं फायर ब्रिगेड ने फिर खिड़कियों से बालकनियों से लोगों को रेस्क्यू किया। इसी दौरान इसी बिल्डिंग में रहने वाला शाह परिवार, नलिनी शाह और उनका बेटा हीरेन, दोनों जो है अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और इन दोनों की जलकर मौत हो गई। हालांकि दोनों का पूरा परिवार साथ में रहता था और कुछ ही दिन पहले नलिनी अस्पताल में भर्ती थी और डिस्चार्ज होकर घर आई थी और बिस्तर पर ही लगभग वो हमेशा पड़ी रहती थी। ऐसे में हीरेन जो है नलिनी का बेटा, वो नलिनी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। घर के अन्य परिवार सदस्य जो है वो निकल गए लेकिन हीरेन वही बना रहा और आखिरकार फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और उनके घर पर जब पहुंचा गया तो देखा कि दोनों की लाशें जो है बुरी तरह से झुलसी हुई है और इन दोनों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 6 घंटे के मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। रविवार सुबह जो है ये आग जो है पूरी तरह से काबू हो पाई, ऐसा फायर ब्रिगेड के सूत्रों का कहना है। देखिए किस तरह से एक अपने बिस्तर पर लेटी हुई बीमार मां को छोड़ना पसंद नहीं किया अग्निकांड की दुर्घटना में और अपनी जान देना उसने पसंद किया।